नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। आज के आधुनिक दौर में छोटे छोटे बच्चों के कमाल तो आपने खूब देखे होंगे, लेकिन आप थोड़ा सा सोच कर देखें कि मात्र 3 साल का बच्चा क्या क्या कर सकता है। आज हम गुड़गांव के एक गांव बाबड़ा बाकीपुर के जिस बच्चे को आपसे मिलवाने वाले हैं उसके हिम्मत, जुनून, हौसले सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, गुरु द्रोण की धरा पर जन्मा ये नन्ना सा बालक आज 3 वर्ष का हो गया है, लेकिन 2 दिन बाद यानी 8 सितंबर को ही ये नन्हे कदम एवरेस्ट की ओर चढ़ाई करेंगे। चौंकिए नहीं, ये सच है। आपके गुरुग्राम का ये नन्ना फरिश्ता अपने बुलंद हौसलों से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। समर्पण की मिसाल तो देखिए, ये नन्ना हयांश लगभग पिछले 1.5 साल से हिमाचल की वादियों में अभ्यास भी कर रहा था। मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं प्रोफेशनल माउंटेनियर हूँ और अब तक मैंने 5 कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक अचीव की है और अब तक 18 वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में मुझे वर्ल्ड किंग अवार्ड मिला हुआ है और जो ये बेटा है हयांश कुमार, इसको मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, और जब से इसका जन्म हुआ इसके पूरा ट्रेनिंग शेड्यूल, इसका खान पान, यहाँ तक कि इसकी जो मदर है मतलब हमारी जो भाभी जी है उनको भी खान पान मतलब हमारी देख रेख में हुआ है। और अभी एवरेस्ट बेस कैंप जा रहा है, 8 तारीख को होपफुली ये एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक शुरू होगा। आपको बता दूँ मैं, माउंटेनियरिंग पूरा वेदर का गेम है, सब कुछ वेदर से चलता है। पहाड़ों में वेदर साफ रहता है तो फाइनली हम 8 तारीख को काठमांडू से निकलेंगे और हम 9 तारीख को लुकला पहुंच जाएंगे। ठीक है, लुकला से एवरेस्ट बेस कैंप स्टार्ट होता है और वहाँ से हमने शेड्यूल टाइम 18 डेज का लिया है और 18 डेज के बाद में हम फाइनली बेस कैंप पहुंच जाएंगे और फिर आपको दोबारा से सूचना देंगे इस बारे में। हमने अभी हिमाचल में हमारी ट्रेनिंग चली है, हिमाचल में 2 मुख्य जगह रही हैं जिसका नाम करेरी और इंद्रहार पास है। करेरी धर्मशाला से 12 से 13 किलोमीटर पड़ता है, एक छोटा सा गाँव है, और राइट में जब हम जाते हैं, मैंने बताया इंद्रहार पास जो तिरुंड होते हुए रास्ता जाता है, इंद्रहार जो हम बोलते हैं अपनी जहाँ से माता पार्वती जी का जो वास बोलते हैं वहाँ पे, उन्हीं का गांव है वो, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग दी गई है। और अभी मेरे से क्वेश्चन किया था एक भाई साहब, यहीं पे मौजूद थे, तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि मतलब ये विज़न किसका है। तो एक्चुअल में ये विज़न थोपा नहीं गया है, ये विज़न प्रतिभा को देखते हुए इनको हम लोगों ने चयन किया है। मतलब इनको हम वहाँ पे हमने पहाड़ों में देखा, ट्रेनिंग सेशन के दौरान देखा, हमें लगा कि ये वेल एक्लेमेटाइज हो रहे हैं, तो ही हमने एवरेस्ट बेस कैंप प्लान किया और फाइनली अभी एवरेस्ट बेस कैंप जा रहा है। और आगे की अभी जो भी अपडेट होगी, वेदर रिपोर्ट्स हम परसों लेने वाले हैं, वेदर रिपोर्ट्स आने के बाद में हम सब लोग मतलब मेरी जो टीम होगी वो आपको मेल के माध्यम से एक एक सूचना आपको दी जाएगी। लेकिन प्रतिभा का धनी और आर्थिक रूप से भी धनी होना ऐसा बहुत बार नहीं होता है, और ऐसी ही समस्या इस बुलंद हौसले वाले बच्चे के माता पिता पर आन खड़ी हुई। लेकिन बच्चे के हौसले, निष्ठा, जुनून और समर्पण को देखते हुए गुरुग्राम के विख्यात समाज सेवी व हरियाणा सरकार CSR ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन बोधराज सीकरी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए एवं मैनकाइंड फार्मा CSR फंड से 10 लाख रुपए का अनुदान करवाकर देश की प्रतिभा के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में आ रही बाधा को दूर किया। मेरा नाम बोधराज सीकरी है, मैं गुरुग्राम से एक समाज सेवी हूँ। एक नन्ना सा बच्चा जिसको मैं कहूँगा, मुझे किसी मित्र के माध्यम से मालूम हुआ कि ये बच्चा पर्वतारोहण का अभ्यास कर रहा है और मेरे बाई और इनके कोच बैठे हैं, तो पता चला कि बाल्यकाल जब से पैदा हुआ है इसके अंदर माता पिता के माध्यम से और लोगों के माध्यम से पर्वतारोहण के संस्कार एकदम पूरे भर दिए गए। और उसके बाद पिछले 1 वर्ष से निरंतर ये बच्चा अभ्यास कर रहा है हिमालय की पहाड़ों पर जाकर के, कई कई दिन और कई कई घंटे माउंटेनिंग करता है। और जो ये कोच हैं ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, और इनका उद्देश्य यह है कि ये बच्चा वर्ल्ड का एक कीर्तिमान स्थापित करे। मुझे बताया गया कि इस समय जो कीर्तिमान है 4 साल 4 महीने के बच्चे का है जो पैदल गया है। एक बच्चा माँ की गोद में गया है लेकिन वो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा, लेकिन जो बच्चा पैदल गया है, तो हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि गुड़गांव और हरियाणा, और हरियाणा आज गुड़गांव हरियाणा की पॉपुलेशन पूरे देश की पॉपुलेशन के 2.5% है, और जब हम खिलाड़ी देते हैं तो आधे खिलाड़ी हमारे हरियाणा से जाते हैं, और जब अवार्ड लेके आते हैं तो झड़ी लग जाती है।
तो उसी कड़ी में जब मुझे पता चला कि ये एक किसान का बच्चा है और किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर है और उसके पास ऐसा साधन नहीं है कि इस बच्चे को वहाँ जा सके, हाँ इन्होंने सारी सरकारी औपचारिकताएँ पूरी कर ली हैं और नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी इनको पत्राचार हो चुका है, इनके पास लेटर है। इसको जो मेन कमी नज़र आ रही थी वो कमी नज़र आ रही थी धन की, पैसे की, अर्थ की। तो मेरे मित्र हैं, मैंने मेनका इनफार्मा, एक बड़ी रिनाउंड कंपनी है जो इस समय देश में फोर्थ पोजीशन पर है, उनसे आग्रह किया, उन्होंने सहर्ष मेरी बात को स्वीकार किया। ये बच्चा आज 3 साल का हो गया, तो आज इसका जन्मदिन भी है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य यह है कि इस बच्चे ना केवल एक कीर्तिमान स्थापित करें बल्कि जो आज प्रेरणा मिलती है, एक बच्चे से 100 बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है, हम ऐसे और युवा बच्चे लाए जो इस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित करें, देश के लिए भी गर्व की बात है, राष्ट्र के लिए भी गर्व की बात है और हमारे प्रांत के लिए भी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे इन बच्चों को बहुत प्रोत्साहन दे रहे हैं हर तरीके से। और मेनका इनफार्मा आपने देखा है कि जो ओलंपिक में बच्चे पहली, दूसरी, तीसरी पोजिशन में नहीं आए, चौथी पोजिशन वालों को मेनका इनफार्मा ने मान्यता दी है, तो ये भी बड़ा गर्व का विषय है। अब इस बच्चे को आपके प्यार, आशीर्वाद व प्रोत्साहन की जरूरत है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी को मालूम हो जाए कि एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारे देश के नाम होने जा रहा है। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच।